मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के बाद खातून वजीर आला का एजाज भी पाकिस्तान की झोली में आ गया। मरियम नवाज 220 वोट लेकर पंजाब की वजीर आला मुंतखब हुई तो यह एजाज तमाम माओ बहन बेटियों के नाम कर दिया। सिन्फ आहन का पंजाब को बिजनेस हब बनाने और 5 IT शहर बनाने का आजम भी काबिल दीद है। कुर्सी संभालने से पहले ही मरियम नवाज ने अपने टारगेट बता दिए। खवातीन हिरासगी को रेड लाइन करार देते हुए दो टोक बता दिया कि पुलिस गर्दी पर जीरो टॉलरेंस होगी। बिला सूद कर्जे और यूथ लैपटॉप स्कीम के अलावा यह भी वाजे कर दिया कि अब कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होगा। 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान भी बड़ा कारनामा होगा। अब बात करते हैं सिंध असेंबली की, तो यहां मुराद अली शाह ने वजीर आला बनने की हैट्रिक कर ली है। 112 वोट लेकर कायदे ऐवान पर बराजमान होने वाले मुराद अली शाह को 2016 में 88 जबकि 2018 में 97 वोट मिले थे। मुराद अली शाह ने सूबे में पीने के पानी की फराहमी, स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकुओं से निजात को अव्वलीन तरजीह जबकि माजी की कोताहियां ना दोहराने का आज़्म किया।